आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व का टॉयलेट यानी आग्नेय कोण में बना टॉयलेट। आग्नेय कोण में जो टॉयलेट होता है वह धन की हानि कराता है। जिन घरों में दक्षिण पूर्व में टॉयलेट होता है ऐसे घरों के अंदर पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। ऐसे घरों के अंदर दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता है, बिजनेस में प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते, व्यक्ति तनाव में रहता है आर्थिक परेशानियों को लेकर। अब आप सोचेंगे कि दक्षिण का टॉयलेट इतना नुकसान क्यों करता है, तो उसका कारण यह है कि जो वास्तु पुरुष है, जो वास्तु के कॉर्नर्स हैं, नौ कॉर्नर जो पांच तत्वों का साइकिल चलता है, उसमें दक्षिण पूर्व दिशा को जो है धन की दिशा कहा गया है। यदि धन की दिशा पर नकारात्मक ऊर्जा होगी तो क्या होगा, धन की हानि होगी, धन का नुकसान होगा, कर्जा बढ़ेगा, आपका भाग्य अच्छा होगा, पैसा तो बहुत आएगा लेकिन वो रुकेगा नहीं। तो अब करना क्या है, बहुत आसान बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष निवारण के उपाय इस कार्यक्रम में मैं आपको बताता हूं। प्रतिदिन कोई ना कोई एक नया उपाय लेकर आता हूं जो आप आसानी से घर में कर सकते हैं। जो पहले मैंने उत्तर के टॉयलेट के बारे में बताया, उत्तर पूर्व के टॉयलेट के बारे में बताया, दक्षिण के टॉयलेट के बारे में बताया, उसी तरह इसके भी उपाय करना है, पर कुछ उपाय इसके अंदर आपको अलग से करना पड़ेंगे। जैसे कि दक्षिण पूर्व में यदि आपका टॉयलेट है तो आप इस बात को ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल स्टोर करके वहां नहीं रखना है। यदि आपने कहीं भी बाल्टी रखी है या कोई भी ऐसा पॉट रखा है जिसमें पानी है, थोड़ा भी बिल्कुल नहीं रखना है। आपने यूज किया उसके बाद उसे बंद कर दीजिए। नल से पानी बिल्कुल नहीं टपकना चाहिए। यदि इस दिशा में या कहीं भी, वैसे तो नल से पानी टपकता है तो कहते हैं कि लक्ष्मी जो है घर से चले जाती है, जल को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। दक्षिण पूर्व के टॉयलेट में यदि नल से जरा सा भी पानी लीक हो रहा है तो यह समझ लीजिए आपका पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा, आपका कर्जा बढ़ जाएगा, धन की हानि हो जाएगी। तो बिल्कुल आज ही चेक कर लीजिए सारे नल जो है आपके, उनको सही करवा लीजिए। पानी बिल्कुल टपकना नहीं चाहिए, पानी बिल्कुल स्टोर करके नहीं रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय, इस टॉयलेट का जो कलर है उसे आप लाल कलर का करवा लीजिए। रेड कलर का टॉयलेट का जो है कलर होना चाहिए, उसकी छत भी लाल कलर की करा लीजिए आप। फिर देखिए चमत्कार, जो नेगेटिव एनर्जी, जो पैसा जा रहा है रुक नहीं रहा है, वो रुकने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, इस टॉयलेट के अंदर जो बाल्टी मग आपको यूज करना है उसका कलर जो है ग्रीन होना चाहिए। यदि ग्रीन कलर के होते हैं तो भी आप नुकसान से बचेंगे। एक महत्वपूर्ण उपाय और बता रहा हूं आपको, टॉयलेट के अंदर खड़ा नमक भर के आपको 500 ग्राम के लगभग रखना है और हर महीने के प्रथम मंगलवार को उसको बदलना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और उपाय बता रहा हूं जो कि रामबाण अचूक उपाय है। जापान और चाइना के अंदर टॉयलेट यदि बनाते हैं तो वह अमेथिस्ट पेंसिल मलिन यंत्र एक फेंगशुई की रेमेडी है। वह उसको टांग लेते हैं, उस पेंसिल को टांगने से क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी जो है खत्म होती है, ऐसा कहा जाता है। और हमने भी उसको अप्लाई किया हिंदुस्तान में, उसका रिजल्ट बहुत अच्छे आए और लोगों को उससे लाभ हुआ है। टॉयलेट के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाइए, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा टॉयलेट की सफाई बहुत जरूरी है। टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला ना रखें, इस बात का ध्यान रखें, टॉयलेट का दरवाजा खुला रहेगा तो वह नेगेटिव एनर्जी दक्षिण पूर्व से आपके निकलकर सारे घर में फैल जाएगी और दूसरी प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इस टॉयलेट के अंदर लाल कलर के फूल जो है, ओरिजिनल फूल नहीं कह रहा हूं, नकली जो फूल आते हैं
उसका जो है गुलदस्ता कहीं रख दीजिए, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। फिट करेंगे टुकड़े आप रखिए। साथ ही नमक का पानी जो है जब आप टॉयलेट धोते हैं वॉश करते हैं तो आप ध्यान रखें कि जो फिनाइल होता है या जो भी आप यूज करते हैं टॉयलेट को साफ करने के लिए हार्पिक या कोई भी ऐसी चीज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है नमक का पानी मिला लीजिए तो उससे नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी। और इस बात का भी ध्यान रखिए यदि आप नया घर बना रहे हैं तो वैसे तो दक्षिण पूर्व में टॉयलेट नहीं बनाना है आपको, लेकिन आपकी बहुत मजबूरी है जगह कम है और बन ही रहा है तो यह ध्यान रखिएगा टॉयलेट का जो कमोड है और वॉश बेसिन पर लगा मिरर जो है वह आपस में नहीं दिखना चाहिए। यदि अगर ऐसा होता है तो उस टॉयलेट का दोष तो होता ही है लेकिन डबल दोष हो जाता है। वैसे भी आप ध्यान रखिए कहीं भी आपके घर में टॉयलेट बनाए वॉश बेसिन का जो मिरर है उसमें टॉयलेट का कमोड बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, यदि है तो वह बहुत गंभीर वास्तु दोष है। तो दोस्तों मैंने बहुत साधारण अचूक उपाय आपको दक्षिण पूर्व के टॉयलेट के बारे में बताए। यदि आप धन की समस्या से परेशान है तो मेरे इस कार्यक्रम को देख के एक बार अपना टॉयलेट जरूर देखिए और विचार कीजिए। कंपास आजकल हर एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड हो जाता है, उसको डाउनलोड करके आप देख लीजिए कि आपका टॉयलेट दक्षिण पूर्व में तो नहीं आ रहा है, और यदि आ रहा है तो मैंने जो उपाय बताए उन्हें आज ही शुरू कर दें और महीने दो महीने तक आप एनालिसिस करें। आपकी आय भी बढ़ेगी, आपके धन की हानि होने से बचेगी और बैंकों का कर्जा यदि आपका बढ़ रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। यदि आप भी साईं अन्नपूर्णा सोशल फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज वास्तु गुरु मनीष साई के नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल गुरुदेव टीवी के नाम से। इसके अलावा हम कई कार्यक्रम प्रतिदिन जो है फेसबुक पे और यूट्यूब पर रिलीज करते हैं। सेहत के लिए संजीवनी सूत्रम हमारा सेहत सूत्र कार्यक्रम है। मंत्र चिकित्सा यदि आप बीमार हैं तो हमारा मंत्र चिकित्सा कार्यक्रम है। डिप्रेशन, मानसिक तनाव, अवसाद, उसको लेकर हमारा कार्यक्रम है हैप्पी लिविंग। कई तरह के हमारे ऐसे कार्यक्रम है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप गुरुदेव टीवी देखते रहिए और गुरुदेव टीवी पे जो कार्यक्रम आ रहा है उन्हें अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के जीवन में भी बदलाव आए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए वास्तु टिप्स के साथ मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। If you enjoyed watching our videos, do share it and don't forget to subscribe to our YouTube channel.